बीएसटीसी पाठ्यक्रम कर रहे एवं कर चुके समस्त साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, बहुत से साथियों की कमेंट आई थी कि बीएसटीसी करने के बाद में अध्यापक बनने की प्रक्रिया क्या है, इसके लिए क्या क्या पात्रता, क्या क्या शर्तें रखी जाती हैं, इनके बारे में भी वीडियो बनाई जाए। आपको बता दें, बीएसटीसी वाले अध्यापक के किस पद के लिए योग्य माने जाते हैं, अध्यापक बनने हेतु बीएसटीसी में कितने प्रतिशत अंक लेकर आने आपके लिए ज़रूरी हैं, बीएसटीसी कोर्स के बाद किस परीक्षा को आपको पास करना ज़रूरी होता है, बीएसटीसी द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत छात्र या छात्रा क्या इसके लिए पात्र होंगे या नहीं, अध्यापक लेवल प्रथम की मेरिट का मुख्य आधार क्या होगा, इन सभी प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं आज हम इस वीडियो में। यदि आप भी इन प्रश्नों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ में अंत तक जुड़े रहिए। साथियों, यदि आप पहले बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो बीएसटीसी एवं पीटीईटी सहित समस्त राजस्थान की शिक्षा एवं रोजगार संबंधी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यह चैनल राजस्थान के बेरोजगार और परीक्षार्थियों से जुड़ा हुआ चैनल है। राजस्थान की प्रत्येक रोजगार संबंधी अपडेट को हम सबसे पहले आपके सामने लाने का प्रयास करते हैं। साथियों, अब हम चलते हैं आपके लिए आज के टॉपिक की तरफ। आपके सभी प्रश्नों को हमने एक एक करके और फिर उनका जवाब तय किया है। सबसे पहला जो आपका प्रश्न था कि अध्यापक लेवल प्रथम की भर्ती हेतु कैसे आवेदन किया जाएगा, तो साथियों, आवेदन जब वैकेंसी आउट होती है तो उससे संबंधित वेबसाइट भर्ती विज्ञापन में दे दी जाती है। अध्यापक लेवल प्रथम की भर्ती हेतु कौन कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बता दें, ऐसे अभ्यर्थी जो विज्ञप्ति के समय न्यूनतम शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता रखते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये पहली शर्त है। और ध्यान रखें, ऐसे अभ्यर्थी जो न्यूनतम 50% अंकों के साथ में माध्यमिक या समकक्ष तथा द्विवर्षीय बीएसटीसी पाठ्यक्रम परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो, आरटेट परीक्षा 2011, आरटेट परीक्षा 2012, रीट परीक्षा 2015, रीट परीक्षा 2017, इन चारों में से किसी भी परीक्षा में कम 60% अंकों सहित लेवल प्रथम उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सीनियर सेकेंडरी के न्यूनतम प्राप्त अंकों के संबंध में विस्तृत विवरण आपको तत्कालिक जो विज्ञप्ति होगी उसमें मिल जाएगा। इसके लिए आपको बता दें कि सामान्य कैटेगरी वालों के लिए सीनियर सेकेंडरी में 50% अंक और रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 45% अंक कक्षा 12 में होना अनिवार्य है। तो आपको बता दें साथियों, जो आपकी सबसे पहली शर्त यही है कि आपको एक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होता है। अभी तक 4 पात्रता परीक्षाएं आयोजित हुई हैं, उनमें से यदि आपने अभी तक एक भी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है तो नई जो पात्रता परीक्षा भर्ती निकलेगी उससे पहले एक पात्रता परीक्षा का आयोजन जरूर किया जाएगा, तो उसमें आपको कम से कम 60% अंक लेकर आने जरूरी होंगे। और इसी के साथ कक्षा 12 में आपके 50% अंक होना जरूरी है। रिजर्व कैटेगरी से यदि आप हैं तो 45% अंक होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखें कि क्या महिला, चाहे सामान्य कैटेगरी की है, विधवा है अथवा अपरिक्ता है, विशेष योग्यजन और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान अध्यापक पात्रता जो परीक्षा है इसके लेवल प्रथम में सभी को क्या 60% अंक लाना अनिवार्य है अथवा नहीं। तो जो 60% अंक पात्रता परीक्षा में हमने बात की थी उसको भी क्लियर कर लेते हैं। उत्तर है इसका बिल्कुल नहीं, अर्थात ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए शर्त है 60% की। आपको बता दें, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के लेवल प्रथम में कम से कम 60% अंकों सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 29/8/2012 के अनुसार राजस्थान राज्य के अधिसूचित क्षेत्र अर्थात TSP एरिया के अनुसूचित जनजाति और के अभ्यर्थियों को आरटेट 2012, रीट 2015, रीट 2017 में लेवल प्रथम में कम से कम 36%
अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य, अर्थात टीएसपी क्षेत्र के इन लोगों को केवल 36% अंक जरूरी हैं, लेकिन टीएसपी एरिया के अभ्यर्थियों को, ये यहाँ पे नॉन टीएसपी है, नॉन टीएसपी एरिया के जो अभ्यर्थी हैं इनको 2011 हेतु लेवल प्रथम में कम से कम 60% अंकों सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अब हम देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ कि क्या अध्यापक भर्ती 2018 के लेवल प्रथम में राज्य के बाहर के निवासी भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके लिए बता दें, राज्य के बाहर के कैंडिडेट्स भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनको केवल सामान्य कैटेगरी में गिना जाएगा और राज्य में दे किसी भी प्रकार का लाभ उनको नहीं मिल पाएगा, ना आयु में, न फीस में और न आरक्षण में। तो जो तीन प्रश्न अभी तक हुए हैं महत्वपूर्ण, एक तो आपको 12वीं कक्षा में न्यूनतम अंक चाहिए 50%, रिजर्व कैटेगरी वालों को 45%, आरटेट परीक्षा में 60% अंक जरूरी हैं, लेकिन इसी के साथ टीएसपी एरिया के कैंडिडेट्स को केवल 36% अंक लाने जरूरी होंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था कि क्या बीएचटीसी द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी आवेदन करने हेतु पात्र हैं, तो आपको बता दें बीएचटीसी द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत छात्र बिल्कुल पात्र नहीं होंगे। इसका कारण बता देते हैं कि जब विज्ञप्ति जारी हो तो विज्ञप्ति की तिथि को अंतिम दिनांक तक अभ्यर्थी के पास सभी न्यूनतम शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक एवं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में निर्धारित मानदंड के अनुसार न्यूनतम प्राप्त अंकों सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य होता है। यह ध्यान देना, विस्तृत विज्ञप्ति के समय ही, आपको बता दें आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक जब आएगी, ध्यान देना जब विज्ञप्ति निकलती है और विज्ञप्ति की जो आखिरी डेट होती है फॉर्म भरने की, यहाँ पर अध्यापक भर्ती परीक्षा में ये शर्त होती है, ध्यान दीजिए आप, भर्ती प्रक्रिया संपूर्ण हो ये जरूरी नहीं है, जब आवेदन की अंतिम तिथि आ जाए उस तिथि को आपको न्यूनतम शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता रखना अनिवार्य है। यह प्रत्येक भर्ती परीक्षा का नियम होता है, इसलिए ध्यान रहे द्वितीय वर्ष में बीएचटीसी अंतिम वर्ष में जो अध्ययनरत छात्र हैं, परीक्षार्थी हैं, वो अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए योग्य मान्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, क्या अभ्यर्थी को सभी जिलों की प्राथमिकताएं भरनी जरूरी हैं चाहे उस जिले में पद विज्ञापित नहीं हैं? तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आने वाली जो भर्ती परीक्षा है उसमें आपको बहुत ही काम आने वाला है। तो बता दें हाँ, अभ्यर्थियों को सभी जिलों की प्राथमिकताएं भरनी अनिवार्य हैं, भले ही चाहे उस ज़िले में पद विज्ञापित नहीं है, क्योंकि इसका बड़ा कारण ये है कि विज्ञापन के बाद में भी पद बढ़ा दिए जाते हैं, जिस ज़िले में पोस्ट नहीं होती उस ज़िले में भी पोस्ट क्रिएट कर दी जाती हैं, यही बड़ा कारण है कि आपको सभी जिलों की प्रायोरिटी देनी होती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2011 के संबंध में कौन से अंक भरने हैं? तो ये भी आप अच्छी तरह समझ लें, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2011 का संशोधित परिणाम जो जारी हुआ था, अतः संशोधित परिणाम के अनुसार ही अंक भरने अनिवार्य हैं। यदि अभ्यर्थी आरटेट 2011 के प्राप्त अंक भर रहा है तो आरटेट 2011 की संशोधित अंक तालिका अपलोड करनी होगी। ये हमने उन साथियों के लिए बता दिया जो 2011 में आरटेट उत्तीर्ण कर चुके हैं, पर साथियों आपको बता दें इसका रिसफल रिजल्ट जारी हुआ था और उसमें बहुत से साथियों के अंक बढ़े थे, इसलिए रिसफल रिजल्ट को ही वैलिड करार दिया गया था। तो ये केवल उन्हीं साथियों के लिए, फ्रेश वालों के लिए नहीं है। फ्रेश वालों के लिए हमने जो कुछ महत्वपूर्ण योग्यताएं थी उनकी चर्चा हम कर चुके हैं। नंबर एक, 12वीं में 50% अंक, रिजर्व वालों को 45% अंक, आरटेट रीट में कम से कम 60% अंक लाना अनिवार्य है और राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों को कोई किसी प्रकार का आरक्षण लाभ दे नहीं होगा। बीएसटीसी अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी को आवेदन के अंतिम दिनांक तक योग्यता पूरी करना जरूरी, अन्यथा उनको नहीं गिना जाएगा। अगली जो अंतिम जो आपका क्वेश्चन था उसको और देख लेते हैं कि अध्यापक लेवल प्रथम की मेरिट का मुख्य आधार क्या रहेगा। तो आपको बता दें
अध्यापक लेवल प्रथम के पद पर भर्ती हेतु अभ्यर्थी के पास विज्ञप्ति की बिंदु संख्या 9 के अनुसार, ये 9 क्या है आपको समझाएंगे, न्यूनतम शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता, रीट आरटेट में न्यूनतम निर्धारित अंकों सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। राज्य स्तरीय मेरिट का निर्धारण रीट आरटेट लेवल प्रथम के अंकों के आधार पर किया जाएगा। तो साथियों मुख्य रूप से बता दें, लेवल प्रथम की जो मेरिट बनती है वो प्योरली केवल और केवल रीट या जो आपकी पात्रता परीक्षा टेट है उसके अंकों के आधार पर ही, उसकी मेरिट के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो साथियों आपको बता दें, आज की इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य कुछ साथियों की कमेंट का आंसर था, जिसमें प्रश्न ये पूछा गया था कि BSTC के बाद अध्यापक बनने की प्रक्रिया क्या है। तो आपको बता दिया है साथियों, जैसे आप सबसे पहला आपका काम BSTC करना है, BSTC में इतने इतने अंक आपको लाने जरूरी हैं, इसके बाद पात्रता परीक्षा होगी, पात्रता परीक्षा में आपके न्यूनतम इतने प्राप्त अंक लाने जरूरी हैं जिसकी चर्चा हम वीडियो में कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी आप तैयार रखें, यदि आप BSTC कर रहे हैं तो उन दस्तावेजों की पूर्ति कर चुके हैं। फिर भी साथियों आपका यदि कोई क्वेश्चन रह गया हो, कोई क्वेरी रह गई हो, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसको भी पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, और चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं साथियों तो शिक्षा रोजगार संबंधी तमाम अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए ज्ञानधारा हर्षोली चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोज आपको सबसे पहले।